दोस्तों टिक टैक टो का गेम आप सभी ने अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर खेला ही होगा, लेकिन दोस्तों आज जो है आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी ट्रिक जिसको जानने के बाद आप कभी भी टिक टैक टो का कोई भी गेम हारेंगे नहीं। हर टाइम आप या तो उस गेम को जीतेंगे या फिर वो टाई होगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका लर्न मैजिक यूट्यूब चैनल पे। आज एक मैजिक ट्रिक नहीं, आज एक दिमाग की ट्रिक लेके आया हूं और इस ट्रिक के बाद आप अपनी जिंदगी में कभी भी टिक टैक टो का गेम हारेंगे नहीं। तो चलिए आपको ट्रिक बताना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ट्रिक बताऊं, बस जान लेते हैं इन खानों को और इनको क्या हम बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि टिक टैक टो की जो ये ग्रिड होती है, इसमें 9 खाने होते हैं जिनमें हमें क्रॉस और जीरो को भरना होता है। तो ये जो 4 खाने होते हैं कोने के, इनको कॉर्नर बोला जाता है। उसके बाद ये जो बीच के ये खाने हैं 4, इनको हम साइड बोलते हैं। और फिर एक होता है सेंटर। अब इसके बेसिस में मैं आपको बताऊंगा कि आप हमेशा टिक टैक टो का गेम कैसे जीत सकते हैं। 4 से 5 मैक्सिमम सिनेरियोस हैं, वहां पर आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है। और बहुत ही आसान सिनेरियो है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए एक एक करके हर सिनेरियो को कवर करते हैं। 2 सिनेरियो हो सकते हैं टिक टैक टो के दोस्तों। पहला सिनेरियो होता है जहां पर कि पहला मूव आप करते हैं और दूसरा मूव आपका अपोनेंट करता है, यानी कि आप इन 9 में से 5 खाने भर सकते हैं और आपका अपोनेंट सिर्फ 4 खाने भर सकता है। वहीं दूसरा सिनेरियो है जहां पर अपोनेंट पहले खेलता है। तो पहले हम बात करते हैं जहां पर आप पहले खेल रहे हैं, और आप जहां पहले खेल रहे हैं वहां आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि जहां आपका अपोनेंट पहला चाल खेल रहा है वहां पर टाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहले बात करते हैं आपके पहले उतरने की। तो दोस्तों एक थंब रूल है, पहला थंब रूल अगर आपको टिक टैक टो का गेम जीतना है वो ये है कि आप हमेशा कॉर्नर से शुरुआत करें। किसी भी 1, 2, 3, 4 कॉर्नर है, इनमें से किसी एक कॉर्नर से शुरुआत करें। कभी भी साइड से या मिडिल से शुरुआत नहीं करें, हमेशा कॉर्नर से शुरुआत करें अगर आप पहला मूव कर रहे हैं। अब आप जब कॉर्नर से शुरुआत करेंगे तो आपके अपोनेंट के पास 8 ऑप्शंस हैं। या तो वो इन 3 बाकी कॉर्नर में कट कर सकता है, या इन 4 साइड्स पे कर सकता है, या सेंटर में कर सकता है। तो अगर आपका अपोनेंट इन 7 बॉक्सेस में, जो कोने के 7 बॉक्सेस हैं, यहां पर अपनी चाल चलता है, तो आप ये गेम 100% जीत जाएंगे। आपको ये गेम कोई हरा ही नहीं सकता है। देखते हैं कैसे। पहले बात करते हैं कि अगर आपका ओपोनेंट इन 4 में से कोई एक साइड में अगर सर्किल बनाएगा, मान लीजिए वो यहां पर सर्किल बनाते हैं, वो चाहे यहां बनाए, यहां बनाए, यहां बनाए, यहां बनाए, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको सेंटर को कट करना है। जैसे ही आप सेंटर को कट करेंगे तो वो आपका ये लाइन बनते हुए को रोकेंगे, और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस अपोजिट कॉर्नर पे अपना अगला मार्क बनाना है। ध्यान रहे ऐसे कॉर्नर पे बनाना है जहां पर कि बीच में कोई सर्किल ना हो। इसके लिए तो ऐसे कॉर्नर पे बनाना है, यहां बनाना है, यहां नहीं बनाना है। आप जब यहां कट करेंगे तो आपके अपोनेंट के पास अब 2 ऑप्शन है, या तो वो आपका ये वाला सर्किल रोके या ये वाला रोके, जो भी वो रोकेगा आप अगले वाले को पूरा बना देंगे। तो यह है सिनेरियो 1, जहां पर कि वो कोई भी 4 साइड के खाने को भरता है आपके कॉर्नर भरने के बाद। एक और सिनेरियो देख लेते हैं इसी का, कि मान लीजिए आप यहां से शुरू करते हैं, इस बार जो है वो यहां पर करता है यली साइड पे, आप फिर से मिडिल वाले को क्रॉस करेंगे सेकंड स्टेप में, और बस गेम अब आपका हो चुका है क्योंकि वो यहां पर आपको रोकेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ रोकना है क्योंकि इनका भी सर्कल बन रहा है, आप यहाँ रोकेंगे और फिर से वो फंस जाएंगे, क्योंकि या तो आपको यहाँ रोकेंगे या यहाँ रोकेंगे, जहाँ भी रोकेंगे आपकी लाइन पूरी बन जाएगी। तो ये तो हुआ सिनेरियो जब आप कॉर्नर से शुरू कर रहे हैं और वो इन 4 में से किसी एक एज पे मार्क कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे, जहां पर आप फिर से कॉर्नर से शुरू करेंगे। याद रखिए आपको हमेशा कॉर्नर से शुरू करना है अगर आपकी पहली चाल है तो।
आपने मान लीजिए कॉर्नर से शुरू करा, अब उनके पास ऑप्शन है या तो इस कोने पे या इस कोने पे या इस कोने पे करें। अगर वो ऐसा करते हैं, मान लीजिए वो इस कोने पे अपना सर्कल बनाते हैं, आपको अब इसके एडजेसेंट जो कॉर्नर है, अपोजिट नहीं, इसका जो एडजेसेंट कॉर्नर है वहां पर क्रॉस करना है। तो आपने यहां पर क्रॉस किया, अब आपको रोकने के लिए वो यहां पर बनाएंगे, और अब तीसरा स्टेप यह है कि आपको जो चौथा कॉर्नर है उसको भी क्रॉस करना है। और जैसे ही आप ये करेंगे तो फिर से या तो आपको यहां रोकेंगे सेंटर पे या यहां रोकेंगे, मान लीजिए यहां रुकते हैं तो आपकी फिर से लाइन बन जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कॉर्नर का दोस्तों। आप फिर से मान लीजिए इस कोने से शुरू करते हैं और वो जो है अब आपका अपोजिट वाला कॉर्नर ब्लॉक करते हैं। इस केस में भी सिंपल वही करना है आपको, फिर से इसके अपोजिट कॉर्नर, दोनों में से कोई भी कॉर्नर कर सकते हैं, मैंने अलग किया है, फिर वो आपके फिर से इसको होने से रुकेंगे और फिर आपको आखिरी कॉर्नर कैप्चर करना है। और ये कॉर्नर कैप्चर करते ही आपको एक जगह ही रोक पाएंगे और दूसरी जगह आप अपनी लाइन पूरी कर लेंगे। तो ये ऑप्शन है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कोने से शुरू करते हैं वो साइड में लगाते हैं तो आप सेंटर में क्रॉस करें, अगर आप कोने से शुरू करते हैं वो भी कोने में लगाते हैं तो पहले आप एक अपोजिट कॉर्नर में करें, आपको रोकने की कोशिश करेंगे और फिर आप आखिरी कॉर्नर भी कवर कर लें। अब बात करते हैं अगले सिनेरियो की दोस्तों, जहां पर कि आप कॉर्नर से शुरू करते हैं लेकिन वो मिडिल पे कट कर देते हैं। इस सिनेरियो में क्या होगा दोस्तों, इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपोजिट कॉर्नर को कवर करना है, ये ध्यान रखें, आपको हमेशा अपोजिट कॉर्नर पे कवर करना है। अब इसके बाद वो जो नेक्स्ट स्टेप लेंगे उसके बेसिस में डिसाइड होगा कि आप इसको जीतेंगे या हारेंगे। देखिए मैं सिनेरियो को दो बार क्रिएट कर देता हूं। अब इसके बाद अगर ये इन दो कॉर्नर में से किसी एक कॉर्नर पे अगर जीरो बनाएंगे तो फिर से आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर ये साइड पे बनाएंगे तो ये मैच टाई हो पाएगा, आप जीत नहीं पाएंगे। जैसे कि दिखाते हैं, मान लीजिए वो यहां पर अपना सर्कल बनाते हैं अगला वाला और आप यहां पर क्रॉस करेंगे उनको ब्लॉक करने के लिए, तो फिर से देखिए दो ही ऑप्शन है, या तो यहां या यहां, एक जगह रोकना जरूरी है और दूसरी जगह आपकी लाइन बन जाएगी। वहीं अगर एक कॉर्नर की जगह ये सेंटर पे बनाते तो फिर ये मैच टाई हो पाता, क्योंकि फिर आप इनको ब्लॉक करने की कोशिश करते, ये आपको ब्लॉक करने की कोशिश करते, फिर आप इनको ब्लॉक करने की कोशिश करते, ये आपको ब्लॉक करने की कोशिश करते, और फिर इस तरीके से ये मैच सिर्फ एक टाई हो पाता, आप जीत नहीं पाते। तो दोस्तों ये तो बात हो गई जब आप पहले खेल रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका अपोनेंट पहले खेल रहा है उस केस में क्या होगा। उस केस में दोस्तों मैक्सिमम केस में टाई हो पाएगा जब तक कि आपके सामने वाला कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर देता है। तो कुछ सिनेरियोस आपको दिखाता हूं दोस्तों। मान लीजिए कि अगर वो कहीं भी शुरू करते हैं, किसी भी एज पे शुरू करते हैं, मिडिल से शुरू नहीं करते हैं, मान लीजिए कि वो यहां से शुरू करते हैं इस एज से, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको हमेशा मिडिल को कैप्चर करना है। अगर आप मिडिल को कैप्चर नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे, जो पहला सिनेरियो था वो आपके ऊपर ही लग जाएगा, इसलिए मिडिल को आपको हमेशा कैप्चर करना है। अगर वो कोने से शुरू करते हैं, मिडिल कैप्चर करने के बाद आप टाई के लिए गेम को खेल सकते हैं, अगर आप मिडिल कैप्चर नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे। आपने मिडिल कैप्चर किया, अब मान लीजिए वो यहां करते हैं तो फिर ये नॉर्मल गेम हो जाएगा, आप एक दूसरे को ब्लॉक करते रहेंगे और ब्लॉक करने के साथ साथ जो गेम है वो टाई हो जाएगा। अब अगला सिनेरियो है दोस्तों कि अगर वो मिडिल से शुरू करते हैं, अगर वो मिडिल से शुरू करते हैं, उस केस में दोस्तों अगर आपको टाई करवाना है तो आपको हमेशा एक कॉर्नर कैप्चर करना पड़ेगा, जैसे कि ये। अगर आप कॉर्नर कैप्चर कर लेंगे तो फिर वो कुछ भी ट्राई करें, आप बस ब्लॉक करते रह जाएंगे एक दूसरे को और गेम जो है फिर से
टाई हो पाएगा, कोई इसमें विनर या लूजर नहीं निकलेगा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आखिरी सिनेरियो की, जो आपको नहीं करना है वो ये है कि अगर वो मिडिल से शुरू करते हैं तो आपको ये साइड को नहीं चूज करना है, कॉर्नर को चूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया। क्योंकि अगर वो मिडिल चूज करते हैं और आप एक भी साइड ले लेते हैं तो इस केस में वो 100% जीत जाएंगे। आप कितनी भी कोशिश करें आप फिर नहीं जीत पाएंगे, जीत उनकी होगी। तो दोस्तों ये थे वो सिनेरियो। जीतने का एक सिंपल नियम है, आप स्टार्ट करें और कोने से स्टार्ट करें और फिर उन रूल्स को अप्लाई करें जो मैंने आपको बताए। और अगर सामने वाला पहले स्टार्ट कर रहा है तो आपको टाई पे फोकस करना है। और कैसे फोकस करना है, अगर वो कहीं साइड से स्टार्ट कर रहा है या कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा है तो आप मिडिल कैप्चर करें, अगर वो मिडिल से स्टार्ट कर रहा है तो आप कॉर्नर कैप्चर करें। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। चलिए फिर मिलते हैं।